हे एवरी वन, वेलकम टू माई कुकिंग ब्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर जब भी कोई आता है मैं ज़रूर बनाती हूँ। बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी तुमने यही बनाया था। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सबके बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको मेरा तरीका शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीन्स, गाजर, बीटरूट वगैरह बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही मैंने लिया यहाँ पर अदरक और मिर्च। दो मिर्च लिए, जितना तीखा आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। अदरक और मिर्ची को कूट लेंगे, आप चाहें तो अदरक और मिर्च यहाँ पर बारीक बारीक काट करके भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई चढ़ाई है मैंने और उसमें डाल देंगे अब 2 से 3 चम्मच तेल। और हाँ, आज की जो ये ब्रेड रोल की रेसिपी बिना प्याज लहसुन की है, तो जो लोग प्याज नहीं खाते वो भी ट्राई कर सकते हैं। कढ़ाई तेल में मतलब मैंने जीरा डाल दिया, साथ ही थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है और अदरक मिर्च को डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर आपको यहाँ पर भूनना है, जब तक कि जो अदरक मिर्ची थोड़े से पक ना जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, तो मैंने यहाँ डाला हल्दी, साथ ही डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला, मतलब ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च है, साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर और भुने जीरे का पाउडर डाला है। और यहाँ पर आपको मसालों को लो फ्लेम पे भूनना है, अच्छे से यहाँ पर भूनना है। अगर मसाले जले तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से भूनें। उसके बाद अब इसमें ऐड कर देंगे सब्जियाँ, जब मसाले भून जाए तो बारीक कटी हुई बीन्स, गाजर और मैंने यहाँ पर जो बीटरूट काटा था वो भी ऐड किया है और थोड़ा सा फ्रोजन मटर ऐड किया है। साथ ही नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर स्वीट कॉर्न, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसे 2-3 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनना है, जब तक कि जो गाजर वगैरह थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, उससे क्रंची टेस्ट आना चाहिए। यहाँ पर जो आलू है वो मैं यहाँ पर 4 से 5 आलू यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। तो जब सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से भुन जाए तो इसमें आलू डाल देंगे। तो आप चाहें तो आलू को कद्दूकस के भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही ऐड कर दें। अब मसाले को यहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट तक के लिए बहुत अच्छे से भूनना है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, मतलब सिर्फ मिक्स करके आपको गैस बंद नहीं करना है, इसे आराम से आपको मिलाते हुए इसे भूनना है, तभी जो मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब एक बार यहाँ पर देखें मसाले अच्छे से भून गए, इसका कलर कितना अच्छा आया बीटरूट की वजह से। आपको नहीं पसंद बीटरूट तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाले को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, तभी जो आलू से अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। अच्छे से आपको यहाँ पर इसे ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई मूँगफली, तो मैं यहाँ पर मूँगफली रोस्ट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर काजू भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कीजिएगा लेकिन ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मूँगफली रोस्ट हो गई है तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा किशमिश और फ्लेम ऑफ कर दिया है। किशमिश भी ऐड करिएगा, इससे जो मतलब ब्रेड रोल का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। जो मसाले हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं, इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब आप क्या करें, इस तरह जितने बड़े आपको पसंद हो या फिर मीडियम साइज के, आप यहाँ पर इस तरह से टाइटली रोल बनाएं, एकदम टाइटली बनाना है आपको, तभी जो ब्रेड रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छे से यहाँ पर आप इस तरह से बना ले सारे, तो मैंने यहाँ पर सारे रोल बना लिए हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आज मिल्क ब्रेड, आप चाहे तो व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जो भी ब्रेड आपको पसंद हो वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क ब्रेड का इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अच्छे से एकदम बाइंड भी हो जाती है। किनारों को मैं यहाँ काट रही हूँ इस तरह से, ताकि ये जो रोल अच्छे बनेंगे। और किनारों को मैं यहाँ यूज़ करूँगी एज ए ब्रेड क्रम्ब, इसलिए भी मैंने काटा है। तो सारे किनारे को मैंने यहाँ पर मिक्सर के जार में डाल दिया है और जो ब्रेड के पैकेट में होता है ना ऊपर और नीचे वाला ब्रेड, वो भी मैं इसमें तोड़ के डाल रही हूँ।
और यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। तो यहाँ पर जो हमारे इंस्टेंट ब्रेड क्रम्ब बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको यहाँ पर इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर दें, उसके बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे आधा ग्लास दूध, साथ ही मैंने लिया यहाँ पर आधा ग्लास पानी। और क्या करेंगे, ब्रेड को इसमें अच्छे से डिप करके हाथों से इसे दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें जब भी हम इस तरह से ब्रेड रोल बनाएं तो अच्छे से इवनली एकदम हैंडल हो सके। तो इसे आप अच्छे से इस तरह से रोल कर दें, बहुत ही आसानी से एकदम मतलब आराम से हो जाता है। आपको जहाँ लगे कि गैप है वहाँ पर आप थोड़ा सा हल्का सा हाथों में दूध लगाएं और इस तरह से उसे सील कर दें, बहुत ही आराम से ये हो जाता है। उसके बाद आप इसे डिप कर दें ब्रेड क्रम में जो हमने बनाया था। इस तरह से ब्रेड रोल बने हुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, देखने में भी और खाने में तो सुपर सुपर क्रिस्पी होते हैं। और जो ब्रेड के साइड वाला है वो भी यूज़ हो जाता है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बाकी के सारे ब्रेड रोल बना लूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसके साथ कौन सी चटनी खाना पसंद करते हैं। आज मैं इसके साथ खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सरसों और लहसुन की चटनी बनाऊंगी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप उसके साथ इसे ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो ब्रेड रोल्स थे वो सारे बना लिए हैं और इसे खुले में छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए। आप चाहें तो इस स्टेज में इसे फ्रोजन करके स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोड़ दें, उसके बाद ही आप इसे फ्राई करें, तुरंत ना करें। अब चटनी बनाने के लिए मैंने डाले यहाँ सरसों का तेल, साथ ही डाल दिए 10 से 12 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च डाल लिए। मतलब जिस अकॉर्डिंग आपको तीखा पसंद है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसे मिक्सर के जार में, तेल के साथ ही डाल दें। मतलब ये चटनी इतनी ज़्यादा यमी होती है कि मैं क्या बोलूँ। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच सरसों और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ऐसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करें, जितना मतलब आपको लगे पानी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें और इसे एकदम फाइन पीस करके तैयार कर लें। देखिए यहाँ पर ये एकदम स्मूथ हो गई है। इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस, बहुत ज़्यादा यमी लगती है। हमारे तरफ इसे समोसा आलू चॉप के साथ दिया जाता है, आप लोग ज़रूर से चटनी को ट्राई कीजिएगा। अब ब्रेड रोल को फ्राई कर लेते हैं, तो इसके लिए तेल ना अच्छा गर्म होना चाहिए, मतलब आप इसे लो फ्लेम पे ना मत फ्राई करें, अच्छा से गर्म कर लें तेल को एकदम धुआं उठने जैसा। उसके बाद जब आप ब्रेड रोल एक बार डाल दें तो थोड़े से फ्लेम को कम कर दें। उसके बाद आप इसे आराम से अलटते पलटते इसे चारों साइड से इसे अच्छे से फ्राई करें। तुरंत फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको इसे कंटिन्यूसली चलाना है तभी जो इसका कलर है बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह एकदम इवनली आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो ब्रेड रोल है वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और साथ ही मैं इसके मिर्च फ्राई कर रही हूँ, बहुत बहुत सुपर टेस्टी लगते हैं और ये सुपर सुपर क्रिस्पी हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ इसका टेस्ट, आप अगर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा तभी आपको मालूम चलेगा। और इस सरसों की चटनी के साथ तो इसका टेस्ट एकदम अल्टीमेट वाला आता है, अगर आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चटनी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अंदर से इसका मसाला देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ट्राई कीजिएगा रेसिपी और जब भी ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।